नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को नियमित नियुक्ति दिए जाने के संदर्भ में शासन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप वो देख पा रहे होंगे, जो कि दिनांक 16 अगस्त 2019 को जारी किया गया है। अगर इसके विश्वसनीयता की मैं बात करूँ तो आप राइट कॉर्नर पर नीचे मीनाक्षी सुंदरम जी, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, उनके सिग्नेचर देख पा रहे हैं, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित एवं टीईटी सीटीईटी प्रथम उत्तीर्ण मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के संदर्भ में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में अध्यापक सेवा नियमावली में अहम संशोधन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के लिए संशोधन किया जा चुका है, और उसके बाद से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित को ही शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चलिए पूरा पढ़ते हैं। उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2017-18 दिनांक 14 फरवरी 2018 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2019 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जो कि 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित एवं टीईटी सीटीईटी प्रथम उत्तीर्ण हैं को नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2019 के अनुसार अर् पात्र शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए जो अभी तक एक बहुत ही कम मानदेय में सेम काम कर रहे थे जो कि नियमित शिक्षक कर रहे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।